विष्णु हम हैं, विष्णु आप हैं, विष्णु तो हमारे माँ बाप हैं, विष्णु पुष्प है, विष्णु चित्र है, विष्णु तो हमारे मित्र हैं, विष्णु कृष्ण है, विष्णु राम है, विष्णु वामन है, विष्णु परशुराम है, विष्णु नारायण है, विष्णु जगन्नाथ है, विष्णु प्रेम है, विष्णु त्याग है, विष्णु गीत है, विष्णु राग है, विष्णु धर्म है, विष्णु कर्म है, विष्णु तो हर जख्म का मर्म है। जब जब इस धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए श्री हरि ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। जिस तरह त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारिका, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम को माना गया है, उसी तरह सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम को माना गया है। मां अलकनंदा के पावन तट पर नर नारायण पर्वतों के बीच में बसा है बाबा का वैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम। सुबह के 4 बजे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ऋषिकेश ISPT। ये ऋषिकेश ISPT है। यहाँ पर उत्तराखंड में विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध है और आज हम जा रहे हैं बाबा के धाम बद्रीनाथ धाम। ये बद्रीनाथ धाम जाने वाली बस है। इस बस में हम बैठेंगे, 5 बजे ये बस छूटेगी। सफर की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सतीश। इस आनंदमय यात्रा में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के वीडियोस को आपका भरपूर प्यार मिला, जिसके लिए आप सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो यात्रा के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ इस वीडियो के द्वारा आप भी बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 292 किलोमीटर है। तकरीबन 9 से 10 घंटे के अंदर हम धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। मंजिल जितनी दूर होती जा रही है, रास्ते में आने वाले नजारे और मनमोहक होते जा रहे हैं। यदि आपको भी बद्रीनाथ धाम आना है तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी कि बद्रीनाथ धाम में रहने के लिए कौन कौन सी होटल्स, धर्मशालाएं हैं और वहां पर खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तकरीबन 250 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 9 घंटे से बस में ही बैठे हैं। सामने लैंडस्लाइड हुआ है, जेसीबी मशीन मिट्टी हटा रही है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सामने हमें एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा हुआ है बद्रीनाथ धाम यहां से 25 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 1 घंटे में हम धाम पहुंच जाएंगे। हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड। मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। पहले हम होटल का कमरा ढूंढेंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। हम बाबा के धाम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये बद्रीनाथ धाम। मंदिर के कपाट अब बंद हो चुके हैं, हम मंदिर में कल दर्शन करेंगे। होटल का कमरा ढूंढने में हमें बहुत समय लग गया, इसलिए आज दर्शन नहीं हो पाया। मंदिर के बगल में गर्म पानी का कुंड है, इसे तप्त कुंड कहते हैं। कुंड में पानी कहां से आता है आज तक किसी को पता नहीं चला है। कहते हैं कुंड में साक्षात अग्निदेव जल के रूप में विराजमान हैं। जो भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं पहले कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा का दर्शन करते हैं। कुंड में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कुंड का पानी खौलता हुआ गर्म पानी है, लेकिन जो भी श्रद्धालु इस कुंड में नहाते उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये सामने धुआं देखिए, ये तप्त कुंड में से निकल रहा है। और सामने माँ अलकनंदा को देखिए, माँ अलकनंदा का भयंकर ठंडा पानी। ये कुदरत का करिश्मा ही तो है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर इतने ठंडे मौसम में गर्म पानी के कुंड का होना।
ये है बद्रीनाथ धाम का मेन बाजार। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बाजार में रौनक तो देखिए। बाजार के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे होटल्स, कपड़ों की दुकानें, मूर्तियों की दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ पर आराम से बैठकर आप खाना खा सकते हैं। ठंड अब ज्यादा है, अभी का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। बाजार में रौनक तो देखिए। सामने देखिए बाबा का धाम, और ये देखिए माँ अलकनंदा। मंदिर के कपाट जब के बंद हो चुके हैं, लेकिन यात्री अभी भी मंदिर के प्रांगण में आ रहे हैं। जय बाबा बद्रीनाथ। सवेरे के 8 बज चुके हैं और मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए और दर्शन की। ये रास्ता मंदिर की तरफ जाता है और आप भी हमारे साथ आइए, मंदिर में दर्शन कीजिए। ये देखिए माँ अलकनंदा। मंदिर में आज भीड़ ज्यादा है, तो दर्शन हम शाम को करेंगे। अब मैं मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। कहते हैं मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर में जाने से पहले स्नान करना जरूरी है। देखिए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। नल में से जो पानी आ रहा है वो तप्त कुंड से आ रहा है। ये देखिए तप्त कुंड, कल मैंने शाम को आपको दिखाया था। तप्त कुंड का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन देखिए लोग कैसे मजे से नहा रहे हैं। मंदिर के बाहर हमें ये भाई साहब दिखाई दिए, ये नेपाल से आए हैं और यहाँ पर रुद्राक्ष बेच रहे हैं। रुद्राक्ष की कीमत है मात्र 20 रुपया। ये आपको रुद्राक्ष फल में से रुद्राक्ष छील के दे देंगे। अब हम लंच करने के लिए हरिओम मारवाड़ी भोजनालय आए हैं। कल रात भी हमने यहीं खाना खाया था। इनका खाना बहुत टेस्टी है। थाली सिस्टम है, 100 रुपये प्रति थाली, अनलिमिटेड भोजन। अब चरण पादुका के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। चरण पादुका के रास्ते में मुझे ये जलप्रपात दिखाई दिया। देखिए कितना खूबसूरत जलप्रपात है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके नजदीक चला जाऊं। वैसे रास्ता तो बहुत कठिन है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ठंड भी बढ़ गई है, अभी का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, पैर भी स्लिप हो रहे हैं। लेकिन आज मैंने भी ठान के रखा है इसके नजदीक तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। जब दूर से इसको देखा तो लगा ये तो बहुत ही नजदीक है, लेकिन जैसे मैं इसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं ये और दूर होता जा रहा है। अब देखते हैं कितना जल्दी मैं इसके नजदीक पहुंच पाता हूं। ये रास्ते पर आपको ऐसे बहुत सारे जलप्रपात दिखाई देंगे और इन जलप्रपातों का अंतिम मिलन अलकनंदा नदी में होता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जलप्रपात के पास में पहुंच तो गया, लेकिन जब वापस आ रहा था बहुत दिक्कत हो गई। मैंने जूते निकाल दिए थे कि जूते गीले नहीं हो जाए, लेकिन जैसे ही मैंने पानी में पैर रखे जैसे नीचे से जमीन खसक गई। पानी भयंकर ठंडा था और टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस और स्लिपरी भी था। बहुत भयंकर ठंड लग रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर कैसे ना कैसे करके मैंने जलप्रपात को क्रॉस कर लिया। लेकिन आप ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चोट लग सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा।
जलप्रपात के चारों तरफ का व्यू देखिए, ये देखिए ग्लेशियर, और ये देखिए जलप्रपात जहां पर मैं गया था। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम चरण पादुका पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये चरण पादुका। कहते हैं श्री हरि जब धरती पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपना पहला कदम यहीं पर रखा था, तो ये जगह भी बहुत ही पूजनीय है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे चरण पादुका के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैं श्री मानव कल्याण आश्रम अतिथि भवन के टेरेस से बना रहा हूँ, यहाँ पर हमने रूम बुक किया है। ये देखिए सामने बाबा का धाम, नर नारायण पर्वत, पीछे ग्लेशियर। वाह क्या सुंदर नजारे हैं। ये देखिए भक्तगण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, माँ अलकनंदा, और ये है श्री मानव कल्याण आश्रम अतिथि भवन, यहां पर हमने रूम बुक किया है। ये मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। आखिरकार मुख्य मंदिर में आ चुके हैं, अब मंदिर में दर्शन करेंगे। ये देखिए यही है मुख्य मंदिर। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं मंदिर के बाहर ही वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और आपको मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। सचमुच ऐसा लग रहा है कि आज जीवन सफल हो गया। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, माँ यमुनोत्री के दर्शन हो गए, माँ गंगोत्री के दर्शन हो गए, आज शब्द ही नहीं बचे हैं। आप भी इस वीडियो के द्वारा बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ये बद्रीनाथ धाम का मेन बस स्टैंड है। यदि आपको वापसी बस से करनी है तो इसी बस स्टैंड पर आपको आना पड़ेगा, जो कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहीं से आपको उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री जाने के लिए बस मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं बद्रीनाथ कैसे पहुंचा जाए। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का एक ही माध्यम है, बाय रोड। लेकिन पहले ये जान लेते हैं जिस भी शहर से आप यहाँ आ रहे हैं वहां से यहाँ तक आने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। यदि आप रेलवे मार्ग द्वारा यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, और यदि आप हवाई मार्ग से आना चाह रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट। अब बात करते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से या देहरादून एयरपोर्ट से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा कैसे करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हरिद्वार ISBT या ऋषिकेश ISBT आइए। ये ऋषिकेश ISBT है, यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी जिसका किराया है मात्र 550 रुपये। यदि बद्रीनाथ धाम जाने वाली आपकी बस छूट जाती है या आपकी ट्रेन ऋषिकेश या हरिद्वार दोपहर को या शाम को आ रही है तो यहाँ से शाम को या दोपहर को बद्रीनाथ धाम जाने के लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से जोशीमठ वाली बस में बैठिए और जोशीमठ जाइए। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर दूर है। आप जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम शेयर जीप में बैठकर जा सकते हैं। शेयर जीप का किराया है 100 रुपये प्रति सवारी। और यदि आप देहरादून एयरपोर्ट से बस के द्वारा बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो फिर आपको देहरादून एयरपोर्ट से देहरादून ISBT जाना होगा और देहरादून ISBT से आपको बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बस मिल जाएगी। तकरीबन 10 से 11 घंटे के अंदर आप धाम पहुंच जाएंगे।
दूसरा ऑप्शन, यदि आप फैमिली के साथ बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो डायरेक्ट हरिद्वार से, ऋषिकेश से या देहरादून एयरपोर्ट से डायरेक्ट पर्सनल गाड़ी हायर कीजिए और बद्रीनाथ धाम जाइए। पर्सनल गाड़ी का किराया होगा हरिद्वार से, ऋषिकेश से 6,000 से 7,000 रुपए और देहरादून से 8,000 से 9,000 रुपए, और तकरीबन 8 से 9 घंटे के अंदर आप धाम पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स, आश्रम, धर्मशालाएं हैं जहां पर आपको 300 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का आपके बजट के हिसाब से रूम मिल जाएगा, और GMVN की डॉर्मेटरीज है जहां पर मात्र 45 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको डॉर्मेटरी मिल जाएगी। धाम में खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर आपको आराम से नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। ज्यादातर यहां पर थाली सिस्टम चलता है जिसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक प्रति थाली के हिसाब से खर्च करना होगा, और थाली सिस्टम में अनलिमिटेड भोजन दिया जाता है। जरूरी सूचनाएं, बद्रीनाथ धाम आने से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहां पर नहीं आ सकते। यहां पर तापमान कम ही रहता है तो अपने साथ गर्म कपड़े कैरी कीजिए, और अगर बारिश के मौसम में आ रहे हैं तो छाता, विंड चीटर, रेनकोट कैरी कीजिए। यहां पर मोबाइल नेटवर्क अच्छा है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, तो यहाँ आने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे भी कई बुजुर्ग हैं या ऐसे भी कई लोग हैं जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो इस वीडियो के द्वारा बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैंने गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की वीडियोस भी रिलीज कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहां जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं।